नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां आए दिन उजागर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ इसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा में देखा गया, जहाँ आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आशा बहुओं के सहयोग से अलग अलग ग्राम सभाओं से महिलाएं कैंप में नसबंदी कराने आईं। महिलाओं को नसबंदी के बाद उनको अस्पताल से उनके घर तक पहुंचाने के लिए आशा बहुओं से सेटिंग करके 108 व 102 एम्बुलेंस चालकों के द्वारा 100 से 200 रुपए की सुविधा शुल्क ली जा रही है। वहीं जिस मरीज के पास पैसे देने की क्षमता नहीं है, उसे अस्पताल से एम्बुलेंस सहायता नहीं मिल पा रही है। खीरी गाँव की रहने वाली बदामा देवी ने बताया कि उनकी नातिन रंजना पाल का कैंप में नसबंदी होने के बाद उन्हें अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक के द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे ना होने की वजह से वो अपने नातिन को अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में बैठी हैं। घर के अन्य सदस्यों के आने का इंतजार कर रही हैं। जबकि इसी तरह से ढोंडरी गाँव के जगपाल के द्वारा बताया गया कि आशा बहू के द्वारा उनसे एम्बुलेंस से उनके घर के मरीज को घर तक पहुँचाने के लिए 100 रुपये मांगे जा रहे हैं और पैसे ना देने पर उन्हें भी एम्बुलेंस की सहायता नहीं दी गई, जिससे वो बाइक से नसबंदी कैंप में आई अपनी भाभी को लेकर घर जा रहे हैं। जबकि अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि गुरुवार को आयोजित किए गए नसबंदी कैंप में कुल 56 महिलाओं के परिवार नियोजन के तहत नसबंदी हुई है। वहीं चिकित्सक के पास मौजूद कुछ महिलाओं के द्वारा ये भी बताया गया कि नसबंदी कैंप में आई उनके घर की महिलाओं को बेड की जगह जमीन पर लिटाया गया है, क्योंकि अस्पताल में कुल 12 बेड ही मौजूद हैं और 56 महिलाओं की नसबंदी हुई है। अस्पताल के बाहर आप क्यों बैठी हैं? एम्बुलेंस भैया कह रहे थे एम्बुलेंस के खातिर एक कहन के आशा है यहाँ, एक कहन की चला मरीज गाड़ी ठड़ी बटे तो हम लेके आवा का करी करे। यहाँ मरीज कौन की क्या बीमारी है मरीज को? ऑपरेशन हुआ है ना, नसबंदी। हाँ, कैंप में आई है। हाँ, तो एम्बुलेंस आपको नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, तबे तो यहाँ थे। कौन सा अस्पताल है ये? कौंधियारा ब्लॉक। मरीज का क्या नाम है जिनकी नसबंदी हुई? रंजना पाल। गाँव? गाँव का कहते हैं खीरी। आप कौन है इनके? हम दादी है। मरीज को ले जाने के लिए क्या कहा जा रहा है? पैसा मांग रहे हैं 100 रुपये। कौन मांग रहा है? हाँ। कौन मांग रहा है? आशा। आशा बहू। हाँ। तो यहाँ पर क्या करने के लिए मरीज लाए थे आप? ऑपरेशन कराने। नसबंदी कैंप में? हाँ। कौन सा अस्पताल है ये? कौंधियारा। कहाँ से हैं आप? ढोंडरी। तो एम्बुलेंस में सरकारी एम्बुलेंस की प्राइवेट एम्बुलेंस? सरकारी एम्बुलेंस। 100 रुपए देंगे तब फिर? हाँ, तब ले जाएगा। क्या नाम है आपका? राम जगपाल।